सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? सही, मैं सुरजीत फिर से स्वागत करते हैं शिवम इलेक्ट्रिक में। आज मैं आप लोगों को जैक कंपनी का स्विंग मोटर रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे और इसका डेटा भी शेयर कर देंगे, तो आप लोग फुल वीडियो देखते रहिए बिना स्किप किए। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले पहुँच जाए। देखिए, ये जो मोटर है, इस मोटर का आरपीएम है 2800 और इसका कोल लेंथ है 43 मिलीमीटर और इसमें 24 स्लॉट्स है और ये 16 mAh कैपेसिटर से चलेगा। देखिए, पहले मैं रनिंग कॉइल को तैयार कर लेते हैं। ये जो कॉइल है, ये दो बैच होंगे और पार बैच में चार कॉइल करके होंगे। ये पहला बैच हो रहा है और इसमें ये चार कॉइल है, ये बैठेगा 6, 8, 10, 12 स्लॉट्स में बैठेगा और इसमें जो 6 घाट का जो टर्न्स है वो है 54 टर्न्स और 8 घाट का टर्न्स है 64 टर्न्स और 10 घाट का टर्न्स है 72 टर्न्स और 12 घाट का टर्न्स भी 72 टर्न्स दिया गया है। ऐसे करके मैं एक बैच तैयार कर लेते हैं। ये जो पहला बैच है, इस बैच का वेट है 250 ग्राम करके। ऐसे मैं दो बैच तैयार कर लेंगे। अब तब देखिए, ये पहला बैच हो रहा है और इसमें 22.5 नंबर वायर का गेज दिया गया है। देखिए, पहला बैच तैयार हो गया है। अब मैं बैच को फॉर्मा के पीछे, डाई के पीछे बांध लिया है। इसके बाद पहला मैं जो 12 घाट का जो कॉइल है उसको पहले मैं तैयार कर लेते हैं। 12 घाट 10 घाट 8 घाट 6 घाट, फिर क्योंकि मैं एक साथ कॉइल करता हूँ, इसलिए एक साथ कॉइल में पहले छोटा से बड़ा तक जाएंगे, उसके बाद बड़ा से छोटा तक आएंगे। इसमें क्या होंगे, ये जो टॉप कनेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग देखते रहिए बैठने की टाइम, जब मैं कॉइल को बैठाऊंगा तब आप लोग समझ जाएंगे। देखिए, अब रनिंग कॉइल बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको बैठाएंगे। देखिए, ये जो पहला कॉइल है ये 6 घाट में बैठेगा। देखिए, अब ये जो सेकेंड कॉइल है ये 8 घाट में बैठेगा।
देखिए अब ये जो 3 नंबर कॉयल है ये 10 घाट में बैठेगा। देखिए ये जो लास्ट जो कॉइल बैठेगा ये 12 घाट में बैठेगा। देखिए अब एक बैच बैठ गया है, अब दूसरा बैच बैठा लेंगे। आप लोग अगर टोहा कंपनी का स्विंग मशीन का मोटर रिवाइंडिंग देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे दे दिया है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं।
देखिए बैठ के तैयार हो गया है रनिंग कॉइल। अब मैं स्टार्टिंग कॉइल को तैयार कर लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग कॉइल है इसमें दो कॉइल करके होंगे पार बैच में, इसमें भी दो बैच होंगे और ये बैठेगा 10 और 12 स्लॉट्स में बैठेगा। ये जो पहला कॉइल हो रहा है इसका टर्न्स दिया गया है 78 टर्न्स और सेकेंड जो 12 घाट में बैठेगा इसका टर्न्स दिया गया है 80 टर्न्स और इसका जो वेट होंगे पार बैच का वो वेट होंगे 114 ग्राम करके। और इसमें जो गेज दिया गया है ये 24 नंबर वायर का गेज दिया गया है। देखिए पहला बैच हो गया है, दूसरा बैच हो रहा है। देखिए अब स्टार्टिंग कॉइल बनकर तैयार हो गया है, अब मैं इसको ही बैठा लेते हैं। ये जो पहला कॉइल है जो 78 टर्न्स का था वो कॉइल 10 घाट में बैठ रहा है। देखिए अब ये जो सेकेंड कॉइल है ये 12 स्लॉट्स में बैठेगा और इसमें टर्न्स दिया गया है 80 टर्न्स। देखिए स्टार्टिंग कॉइल का एक साइड का बैच बैठ के तैयार हो गया है, अब मैं दूसरा बैच भी बैठा लेते हैं। देखिए अब स्टार्टिंग कॉइल बैठ के तैयार हो गया है, अब मैं पहले लीड की उल्टी तरफ इसको मिलेक्स रिवर्स से सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद इसको धागे से बांध देंगे।
देखिए इस साइड बांध के तैयार हो गया है। अब मैं लीड की तरफ, पहले मैं लीड को ज्वाइन कर लेंगे और इस साइड भी मिलेक्स पेपर से सेपरेट कर लेंगे पहले, उसके बाद इसको लीड को ज्वाइन करके इस साइड भी बांध लेंगे। देखिए लीड ज्वाइन हो गया है। अब मैं लीड के नीचे एक मिलेक्स पेपर देके इसको भी सेपरेट कर लेंगे, फिर मैं इसको धागे से बांध लेंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना मत भूलिए। और आप लोग अगर मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज शिवम इलेक्ट्रिक को फॉलो कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching my video.